जब ऋणात्मक को धनात्मक के पास रख दिया जाता है और फिर छोड़ा जाता है, तब वो धनात्मक आवेश की ओर गतिमान होगा। जैसे ही वो गतिमान होगा, जिससे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और वो अधिक जलद गति से गतिमान होगा। ये ऊर्जा भला कहां से आती होगी? ऊर्जा संरक्षण के आधार पर हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तब वो किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा को खोता है। आवेश में विद्युत विभव ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब किसी गेंद को मैदान के ऊपर पकड़ते हैं और उसे छोड़ते हैं, ऐसा करते समय गेंद तेजी से मैदान की ओर जाना शुरू करता है और उसकी गुरुत्वाकर्षण की विभव ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण विभव ऊर्जा के संबंध में हम जब वस्तु जमीन पर होती है, तब हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शून्य है। हम कह सकते हैं कि ये एक मनमाना लेकिन सुविधाजनक विधान है। आवेश के संबंध में विद्युत विभव के शून्य को परिभाषित करते समय हम कहेंगे कि जब आवेश एक दूसरे से असीमित दूरी पर होते हैं, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण विभव के बारे में स्थितिज ऊर्जा में आए परिवर्तन ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसी कारण हम आमतौर से स्थितिज ऊर्जा विभवांतर के बारे में बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा में प्रति इकाई आवेश में आने वाले परिवर्तन को विभवांतर कहा जाता है। ऊर्जा की इकाई जूल है। विभवांतर की इकाई जूल को कूलाम से भाग देने पर प्राप्त होती है। जे अपॉन सी, जिसे वोल्ट भी कहा जाता है। वी, ये वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रो वोल्टा के सम्मान में है, जिन्होंने 1800 साल में पहली विद्युत सेल बनाई थी। विभवांतर को हमेशा वोल्ट कहा जाता है। गतिविधि, चलिए एक साधारण से विद्युत सेल की निर्मित करते हैं। ऐसी सेल जो वोल्ट ने 1800 साल में बनाई थी, इसके लिए हमें जस्तीकरण किए हुए वॉशर और 25 गेज की आरक्षित तांबे की तार की आवश्यकता है। कार्डशीट को ऐसे वृत्त आकार काट ले जो वॉशर के आकार के समान हो। इन वृत्तों को अब संपृक्त लवण के विलयन या घोल में भिगो कर रखे। ये विद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइट की भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार जस्तीकरण किए हुए वॉशर, भिगोए हुए वृत्त और तांबे की तार, ये हमारे लिए एक मूलभूत सेल का काम करेगी, जिसका विभवांतर 0.6 V है। इस प्रकार की एक से अधिक विद्युत सेल को अगर हम क्रम में रखें, जिसे हम उतना वोल्टेज निर्माण कर पाएंगे जो एक LED बल्ब को जला सके। ये हमेशा जताया जाता है कि वे इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो विद्युत परिपथ में ऊर्जा का वहन करते हैं। इलेक्ट्रॉन की बहुत धीमी गति होती है। इतनी कम गति में जल्द गति से जाने वाली ऊर्जा का वहन करना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन दो टर्मिनल के बीच में बड़ी ही धीमी गति से चलते हैं। परिपथ के कारण जिस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की निर्मित होती है, उसके परिणाम स्वरूप जो दो विभवांतर के बिंदु तैयार होते हैं, उन्हीं के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये उच्च वर्गों के अध्ययन का विषय है, इसलिए अभी के लिए हम पानी के उदाहरण द्वारा वोल्टेज, विद्युत धारा और प्रतिरोध को समझेंगे। वोल्टेज, विद्युत धारा और प्रतिरोध। नलों को हमेशा पानी की टंकी के ऊपरी या फिर मध्य हिस्से की अपेक्षा निचले हिस्से में लगाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही नल खोलें, पानी बाहर निकलना शुरू हो सके। जब तक कोई अन्य बल कार्यरत नहीं होता है, जैसे पंप के कारण तैयार किया गया दबाव, तब तक पानी नीचे की ओर ही बहता है, एक उच्च विभवांतर वाले क्षेत्र से निम्न विभवांतर वाले क्षेत्र तक। यही कारण है कि पानी की टंकियों को हमेशा ऊंचाई पर किसी स्टैंड पर रखा जाता है, ताकि पानी नीचे घरों तक जा सके। गुरुत्वाकर्षण में विभवांतर के अंतर के कारण पानी बहता है, जिससे हमें प्रवाह मिलता है। ठीक उसी प्रकार विद्युत सेल भी विद्युत विभवांतर निर्माण करता है, जिसके कारण विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की निर्मित होती है। प्लंबिंग प्रणाली में पानी की धारा होती है और परिपथ में आवेशित इलेक्ट्रॉन की धारा होती है, परिपथ से होकर बहती है। परिपथ के कुछ स्थानों पर विद्युत धारा, जिसे I कहा गया है, वो उस दर के समान होती है जिस दर से आवेश उस स्थान से पहले गुजरा होता है। अगर प्रवाह स्थिर है तो I = Q/T होता है। विद्युत प्रवाह की SI इकाई एम्पियर A होती है, जिसे बोलचाल की भाषा में एम्प कहा जाता है।
जब हम नल खोलते हैं ताकि पानी बहे, तब हम बहाव के लिए जो प्रतिरोध होता है उसे कम करते हैं। हम नल को जितना खोलेंगे उतना ही बहाव के लिए प्रतिरोध कम होगा और अधिक मात्रा में पानी प्रवाहित होगा। विद्युत धारा के संबंध में जितना अधिक प्रतिरोध उतना छोटा प्रवाह। किसी भी पथ के लिए, फिर चाहे वो पानी हो या आवेश, कुछ तो प्रतिरोध अवश्य होगा जो पथ की चौड़ाई, उसकी लंबाई और पथ में ऐसे किसी पदार्थ का होना जो प्रवाह में बाधा निर्माण करे, इन सब बातों पर निर्भर होगा। उदाहरण के लिए सैकड़े पाइप चौड़े पाइप से अधिक प्रतिरोध निर्माण करेंगे और पानी का बहाव कम होने देंगे। उसी प्रकार कम सुचालक पदार्थ अधिक प्रतिरोध निर्माण करेंगे और आवेश के प्रवाह को रोकेंगे। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा, जिसे आय कहते हैं, जब किसी पदार्थ से होकर गुजरती है वो उसके प्रतिरोध पर निर्भर होती है, जिसे R is equal to V upon I कहा गया है, जहां V घटक के दोनों अंतों के बीच का विभवांतर है। जब भी किसी यंत्र में प्रतिरोध समान रहता है और विभवांतर बदलता रहता है, तब हम कहते हैं कि ये ओहम के नियम का पालन कर रहे हैं, जहां V is equal to I R होता है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही परिपथ है, इस पर हम जितना प्रतिरोध करेंगे अर्थात दिए हुए विभवांतर के लिए जितना अधिक कुल प्रतिरोध होगा उतना ही विद्युत का प्रवाह कम होगा। अगर हमें एक समय में ही अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता हो तो हम क्या करेंगे? तब हम एक से अधिक जगहों से पानी बाहर आने के लिए रास्ता बनाएंगे, जिससे पानी को बाहर आने के लिए एक से अधिक मार्ग मिल सके। उसी प्रकार जब हम विद्युत परिपथ पर समांतर प्रतिरोधक लाएंगे और जब प्रवाह अधिक होगा, तब अगर हम एक ही प्रतिरोधक का उपयोग करेंगे तो पानी के उदाहरण के अनुसार प्रवाह को अनेक मार्ग मिल जाएंगे। वोल्टेज गुरुत्वाकर्षण के विभवांतर या ऊंचाई के अंतर के समान होता है। हमारे पास दो बर्तन हैं जिसमें पानी भरा है। इन दोनों बर्तनों को एक पाइप के द्वारा जोड़ा गया है। जब उन दोनों बर्तनों में पानी समान स्तर तक ना पहुंचे, पानी बहता रहेगा। अगर पानी पहले के समान स्तर पर है तो पानी नहीं बहेगा। विद्युत विभवांतर या वोल्टेज विद्युत प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है। हमें विद्युत प्रवाह के बिना भी वोल्टेज मिल सकता है। जब भी आवेश अलग किया जाता है तब वोल्टेज मिलता है, जैसे सेल में या कोशिका की झिल्ली के आर पार। प्रवाह तभी बह सकता है जब उसे बहने के लिए कोई पथ मिले। जब भी सुचालक में वोल्टेज होता है तब सुचालक में विद्युत क्षेत्र तैयार हो जाता है और ये क्षेत्र आवेश को धकेलता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, और उन्हें प्रवाहित करते हैं, जिसे हम प्रवाह कहते हैं। सामान्य पदार्थ में प्रतिरोध होता है, इसी कारण वोल्टेज का बारंबार उपयोग करना ही पड़ता है ताकि सातत्यपूर्ण प्रवाह बना रहे।